नमस्कार दोस्तों, मेरे एक सब्सक्राइबर ने कल कमेंट किया था यानी ये सप्टो कपलर के बारे में जानकारी के लिए, तो ये वीडियो उनके लिए है। और इस आईसी का यानी इस सप्टो कपलर का नंबर जो है HCPL3150 यानी 3150, ठीक है। ऐसे 3120 भी आते हैं लेकिन उसके एम्पियर अलग होते हैं। जैसे यहाँ पर 0.5 एम्पियर आउटपुट करंट IGBT गेट ड्राइव ऑप्टो कपलर इसे कहते हैं। तो ऐसे जो हमारा 3120 आता है वो ऑप्टो कपलर यहाँ जैसे 0.5 है, ऐसे वहाँ पर 2 एम्पियर पे वो काम करता है। सेम इसी तरीके से है उसका भी पिन का जो काम है, ये जितने भी पिन हैं ये इसी तरीके से। जैसे यहाँ पर पिन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और यहाँ पर 5, 6, 7, 8। इसका एप्लीकेशन अगर सब यहाँ पर देखेंगे तो इसका एप्लीकेशन है आइसोलेटेड IGBT MOSFET गेट ड्राइवर। दूसरा है AC एंड ब्रशलेस DC मोटर ड्राइवर, और यहाँ पर तीसरा है इंडक्शन स्टोव टॉप, और चौथा है इंडस्ट्रियल इन्वर्टर्स, और पांचवा है स्विच मोड पावर सप्लाई जिसे SCMPS कहते हैं शॉर्टकट में। फिर हमारा आखिरी में आता है जो छठवां है यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी 6 नंबर का जो है ये अनट्रिपेबल पावर सप्लाई जिसे शॉर्ट में UPS कहा जाता है। ये इतने जगहों पे यूज किया जाता है यानी इतने डिवाइसेस में ये इसको यूज किया जाता है। जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी चेंज होती जाती है ऐसे ऐसे हमारे टेक्नोलॉजी में जो लगने वाले कंपोनेंट हैं उनके भी जो है सब कुछ उसमें भी मॉडिफिकेशन हो रहे हैं और वो भी जो है चेंज होते चले जा रहे हैं। पहले के ऑप्टो कपलर अलग होते थे, आज किसी गेट ड्राइव के लिए इसमें देखिए बहुत सारे जो सिस्टम है इसके इंटरनल ही मिलेंगे। जैसे हमारा पहले जो है मान लीजिए 6 पिन का था, यहाँ पर जो है ये सीधे जो है 8 पिन के हैं यानी 4 इधर है 4 इधर है। इसके कनेक्शन कैसे होते हैं इसको हम देखेंगे। पहले यहाँ पर इसको 6 नंबर को हम हाईलाइट कर दें, 1 हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। ये हाईलाइट इसलिए किए हैं कि इतने जगहों पे यूज किया जाता है। और यहाँ पर देखेंगे ये जैसे पिन नंबर 1 है और यहाँ ये है पिन नंबर 2, फिर यहाँ पे पिन नंबर 3, फिर यहाँ पे ये पिन नंबर 4, यहाँ ये पिन नंबर 5, फिर पिन नंबर 6, नंबर 7। एग्जांपल के लिए समझते हैं, जैसे हमने यहाँ पर एक सर्किट डिजाइन किया है जो कि एज ब्रिज है और यहाँ पर 4 IGBT यूज किए हैं और इसको ड्राइव करने के लिए हम इसको यूज करेंगे। और इसका कनेक्शन कैसे करते हैं इसको हम दिखाते हैं बताते हैं। देखिए एक एग्जांपल है, उदाहरण है, और यहाँ पर देखें ये है 1 नंबर और ये है 2, 3, 4। तो यहाँ पे जो है ये सीधे हम इसको जो है ऐसे 1 नंबर और 4 नंबर ये हो जाएगा ग्राउंड, ठीक है। ये 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर एक ग्राउंड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो बीच में दूसरा नंबर है ये दूसरा नंबर हो जाएगा इसका PWM, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगेगा जो होगा 220 ओम का, और यहाँ पर जो सिग्नल इन होगा वो होगा PWM, ठीक। ये PWM सिग्नल यहाँ पे इन होगा यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे इन होगा तो देखिए ये एक अंदर LED लगी हुई है, ये LED लाइट जो है यहाँ पे ग्लो होगी,
इसके अनुसार, इस पल्स के अनुसार जो PWM पल्स इन होगा, और यहाँ पे इसका जो रेज आउट होगा यहाँ इस पे पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो इसका रेज पड़ेगा तो ये अपना ड्राइव करेगा, तो इसका ड्राइव जो एक्टिविटी है इसको इस तरीके से समझे, जैसे यहाँ पे 8 नंबर 7 नंबर 6 नंबर 5 नंबर है, तो ये जो है 7 नंबर और ये जो है 6 नंबर, यानी 6 और 7, 6 और 7 को डायरेक्ट जोड़ देंगे, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे 8 नंबर है और ये 5 नंबर है। अब इस 8 नंबर और 5 नंबर पे ये 15 वोल्ट की सप्लाई होगी, ऐसे इसकी एक सप्लाई अलग से होगी जो ड्राइव के लिए, गेट ड्राइव के लिए ज़रूरत होता है। इसको एक कर देते हैं सप्लाई को यहाँ से ऐसे, ये 15 वोल्ट की सप्लाई हो गई। अब ये दोनों पिन जो यहाँ पे शॉर्ट है, यानी जो दोनों एक में ज्वाइंट किया गया है, ये सीधे इस गेट ड्राइव पे जुड़ेगा, तो इसका जो गेट ड्राइवर है पिन, इसके बीच में यहाँ पे 100 ओम का एक रेजिस्टेंस होगा। ये मैं एग्जांपल के रूप में इसको बता रहा हूँ, जो आपको इसके फंक्शन को समझने में काफ़ी आसानी होगी। अब आपको कहाँ पे ये यूज करना है ये आपने बताया नहीं, केवल इसके फंक्शन के बारे में आप पूछे हैं, तो इसका जो फंक्शन है, इसकी जो एक्टिविटी है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ पे नेगेटिव रहेगा 1 नंबर और 3 नंबर और 4 नंबर पे। अब इसको नेगेटिव यहाँ पे इसके कैथोड को मिलेगा, एनोड पे जो पल्स आएगी उससे यहाँ पे कम या अधिक होगा, और यहाँ पे जो कम अधिक रेज आउट होगा उसके अनुसार ये इसका यहाँ जैसे कलेक्टर है और बीच में एमीटर, फिर कलेक्टर, फिर एमीटर, फिर इसका जो यहाँ पे नेगेटिव दिया गया है ये, इस नेगेटिव के अनुसार, ठीक है, और इस पॉजिटिव के अनुसार ये बीच में जो है ये पल्स आउट करेगा, यानी इसके अंदर लगे ये दोनों ट्रांजिस्टर एक बार यहाँ पर नेगेटिव देंगे जो नेगेटिव यहाँ से मिलेगा, एक बार पॉजिटिव देंगे जो यहाँ से मिलेगा पॉजिटिव, ये इसके अनुसार ऑन ऑफ कराया जाएगा, और उसी के स्विचिंग के अनुसार यहाँ पे ड्राइवर बने, यानी ड्राइवर का काम करेगा, यानी ड्राइव सिग्नल यहाँ पर आउट होगी और इसके अनुसार ये इसकी स्विचिंग होगी, ठीक है। इसी तरीके से और भी जो इसके साथ यूज किए जाते हैं, जैसे ये एक ड्राइवर की तरह, यानी एक IGBT के लिए है, ऐसे ऐसे 4 के लिए 4 यूज किए जाते हैं, या जैसा भी जिस सिस्टम के लिए यूज किया गया होगा ये उसी के अनुसार उतनी संख्या में यूज किए जाते हैं। जैसे कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है इसका सारा एप्लीकेशन यहाँ पर देख सकते हैं। अब हमको इतना ही इसके बारे में बताना था, तो आज की वीडियो में पसंद आई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके पहले हमने जो है अभी एक सुबह एक वीडियो अपलोड किया है इन्वर्टर का, उसमें भी आपको ये जो है इस ब्रिज के बारे में जानकारी उसमें भी मिलेगी, जो इससे बहुत ही इजी तरीके से हमने उसमें बताया है, जो हम अपने ऑनलाइन क्लास के लिए जो तैयारी किए हैं वो मैं उसी तरीके से उसको बताने का प्रयास करता हूँ। मेरा एक अलग बताने का जो तरीका होता है उस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा, वो भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी यूज की जाते हैं कोई ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये इन्वर्टर में सिर्फ हों, ये कई जगह ऐसे सर्किट को यूज किया जाता है, जैसे कि आपको हम आगे अपने चैनल पे बहुत सारे ऐसे वीडियो आपको जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके बारे में देखने को मिलेगा, और इससे डिटेल से आप प्रैक्टिकली और थ्योरिकल दोनों मेथड से समझेंगे। तो आज की वीडियो में बस नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू दोस्तों, और देखते रहिए।